दिल्ली को पेरिस तो केजरीवाल जी बना रहे थे, लेकिन बीजेपी आप पार्टी ने मिलकर उसको कूड़े का शहर बना दिया। कहाँ ऐसी कमी रह जाती है कि केंद्र में भी सरकार होते हुए, दिल्ली सरकार में भी सरकार होते हुए निगम से बेहद दूर रह जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां दिल्ली में कांग्रेस द्वितीय नंबर पर थी, अच्छा परफॉर्म किया था, 2020 में फिर सुपर साफ हो गया, शून्य पे शून्य। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता छोटे चैनल्स पे नहीं जा रहे, उनको बाइट्स नहीं देते, उनको इंटरव्यूज नहीं देते, तो आपकी आवाज जो पहुंचा ना सकते हैं उनसे भी तो आपने एक दूरी बना रखी है। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, निगम में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे क्यों ना पता चले, एक आम सिटीजन को क्यों ना पता चले। 15 साल में विपक्ष में होने के बावजूद भी आप ये आवाज क्यों नहीं बुलंद करते कि इसकी लाइव स्क्रीनिंग करवाई जाए। न उद्घाटन न शिलान्यास, लेकिन कागज पे सड़क बन जाती है। हाँ, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर नेशन लाइव की चुनाव यात्रा लगातार चल रही है, और इसी चुनाव यात्रा के क्रम में आज मैं जहां पहुंचा हूं उसका दिल्ली नगर निगम से बहुत तगड़ा नाता है। 1958 में दिल्ली में पहली बार दिल्ली नगर पालिका के चुनाव हुए थे और दिल्ली नगर निगम में पहले डिप्टी मेयर की भूमिका निभाई थी आरसी अग्रवाल जी ने। आरसी अग्रवाल जी के पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल, जो बाद में सांसद भी बने, वो 1983 में उप महापौर दिल्ली के बने थे। आज मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले मुदित अग्रवाल हैं। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी के पुत्र हैं और आरसी अग्रवाल जी के पोते हैं। इससे ये स्थापित होता है कि दिल्ली नगर निगम का इस घर से तो बहुत पुराना नाता है। ये लेगेसी थी आपकी जो कहीं ना कहीं छूट गई, क्योंकि आज मेरी चुनाव यात्रा जब लगातार बढ़ रही है, हम सभी वार्डों में जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम बात करें तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पीछे रह गई, पीछे छूट गई, कहीं नहीं है। ये तो वो कहते हैं ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस समय कांग्रेस से घबरा रहे हैं। देखिए आप निगम की हालत देखिए, कितने साल से बीजेपी पिछले 15-16 साल से शासित है निगम में, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली को पेरिस तो केजरीवाल जी बना रहे थे, लेकिन बीजेपी और आप पार्टी ने मिलकर उसको कूड़े का शहर बना दिया। पॉल्यूशन का बुरा हाल है, लोगों की पेंशन नहीं मिल रही, सीलिंग से लोग परेशान है, गंदगी से लोग परेशान है। मुझे एक तो बताइए ना, सुविधा जो बीजेपी और आप पार्टी ने दिल्ली वालों को दी हो, हाँ एक सुविधा जरूर दी है उनको कि घूस खिलाओ एमसीडी के अफसरों को और अपना काम करवाओ। मुझे जो चुनाव लेके लोग बैठे रहते हैं, लेटर कोई लीगल भी बना रहा है उसका नापते हैं और पैसे लेते हैं, उगाही कौन करता है? बीजेपी और आप पार्टी के कॉर्पोरेटर्स। ठीक है, ये भी एक सवाल है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लोग इन दोनों से परेशान हैं इस समय। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एक बात हम बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात ये मान लेते हैं, कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही है, इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने उन्हें सत्ता से दिल्ली से बेदखल भी किया था। लेकिन एक सत्य तो ये है ना कि कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों में सिर्फ 5 साल ही दिल्ली में निगम पे शासन कर पाई है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के अंदर पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बेहद अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। कहाँ ऐसी कमी रह जाती है कि केंद्र में भी सरकार होते हुए, दिल्ली सरकार में भी सरकार होते हुए निगम से बेहद दूर रह जाते हैं? देखिए एक बात मैं जरूर मानता हूँ उसके अंदर, जो मेरा पर्सनल व्यू है, आपको याद होगा दिल्ली में शीला जी की सरकार रही 15 साल, उसके समय केंद्र में भी कांग्रेस से दिल्ली के 7 एमपी जीते थे, 2004 में भी जीते थे, 2009 में भी जीते थे। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन का जब डिवीजन हुआ था, सीट छोटी हुई थी, आपको याद है जब डबल सीटें की थी 2012 के अंदर, कांग्रेस का थोड़ा नुकसान हुआ था। मैं बताता हूँ वो क्यों हुआ था। देखिए बीजेपी का उस समय कमिटेड काडर था, वो कमिटेड वोट बीजेपी को पड़ जाता था, लेकिन जो कांग्रेस का जो वोट था, जो बड़े इलेक्शन में कांग्रेस को पड़ता था, जब छोटा होता था इलेक्शन, वो कहीं ना कहीं वोट थोड़ा छिटक जाता था कांग्रेस से, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता। उस समय जब वो कॉर्पोरेशन बने थे तो एक वार्ड में बहुत कम वोट थे, तो कोई अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो गया था तो उसमें कांग्रेस का वोट ज्यादा कटता था, बीजेपी का वोट नहीं कटता था, ये तब की बात है। लेकिन अब वो जो कॉर्पोरेशन है उसके भी मेघा से पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई है जो पहले 15 साल पहले थी, तो आज उस इलेक्शन में बहुत फर्क है। दूसरा जो ये मुद्दे, देखिए जब एक सरकार सत्ता में होती है तो लोगों को लगता है पता नहीं जो नई आएगी वो बहुत अच्छा करेगी, ये चीज होती है ना, तो लोगों को शायद लगा, देखो कांग्रेस ने जो काम किया था लोगों को कहीं ये लगा नहीं दूसरी सरकार आएगी ज्यादा अच्छा काम करेगी, लेकिन वो सारे लोगों के भ्रम भी टूट गए, लोगों को असलियत भी पता चल गई, तो इस समय लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। भ्रम तो नहीं टूटा, अगर भ्रम टूटा होता तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां दिल्ली में कांग्रेस द्वितीय नंबर पर थी, अच्छा परफॉर्म किया था, 2020 में फिर सुपर साफ हो गया, शून्य पे शून्य। जो आप 2019 की बात करें, 2019 में अच्छा किया, 2020 में केजरीवाल जी ने अच्छा किया, लेकिन
2020 के बाद आप भी कितना समय हो गया, दो साल हो गया ना, बिल्कुल। तो आज दो साल पहले लोग क्या कहते थे, आज आप जाके कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है दोनों, क्योंकि मैं रीजन बता रहा हूं, दिल्ली में क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल में 7 साल में, केजरीवाल के मुझे बताइए। वो कहते हैं स्कूल हमने अच्छे कर दिए, कितने स्कूल अच्छे किए, चार पांच स्कूल बना दिए, दिखाते हैं जैसे सारा हो गया। उन्होंने कहा था मैं क्लासरूम बनाऊंगा, कहां बनाए, स्कूल बना रहे थे, नहीं कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल नहीं बने, कितनी यूनिवर्सिटी नहीं बने, कोई जवाब तो देगा इस चीज का। 13,000 नए कमरे बने हैं ना, 6,000 नए कमरे बनने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। 13,000 नए कमरे बने हैं 7 साल में, तो 13,000 नए कमरे बने हैं सिर्फ, तो 13,000 में कितने स्टूडेंट बड़े होंगे, कम से कम 2 लाख ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ा है। तो ये बात बताइए ना मुझे, 2013 में 17 लाख के करीब शीला जी की जब सरकार थी, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली सरकार के स्कूल, तो आज तो बढ़ गए होंगे ना, 17 से कम हुए हाँ। तो भाई कौन से क्लासरूम बनाए हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कम हुए हैं, फिर भी दिल्ली का एजुकेशन मॉडल प्रचारित किया जाता है और आप उसको टैकल नहीं कर पाते। आप प्रचार कर ले, देखिए मीडिया अगर झूठ बोले तो उसका तो कोई लाभ नहीं। मैंने खुद बोला ना 13,000, मीडिया कहाँ झूठ बोल रही है ना। आप ये कह रहे 13,000 बढ़ गए, आप ये क्यों नहीं बोलते बच्चे कम हो गए, बच्चे कम हुए, आज तक मीडिया में नहीं सुना। हमने कई बार बोला इस चीज को, हमने कई बार बोला, उसके लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं का होना भी तो जरूरी है सर, बातचीत भी जरूरी है, संवाद भी जरूरी है। आपने समय दिया तब हमने कहा कि जी 13,000 कमरे बने, जब आपने स्कूल की बात की। आप मालूम करना चाहते क्या रीजन जी, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो एड का जो बजट है ना वो मीडिया की स्टोरीज और हेडलाइंस को इन्फ्लुएंस करता है। आज मीडिया वालों को ये पता है, रिपोर्टर से मेरी बात होती है, कहते मोदी जी हम क्या करें, ऊपर एडिटोरियल वाले नहीं मानते ये जो, क्योंकि केजरीवाल अगर हम उसके विरोध में लिखते एड बंद कर देता है, तो जो 1200 करोड़ वो खर्च करता है मीडिया के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो क्यों करता है, कभी सोचा है? मैं आपकी इस दलील से सहमत नहीं हूँ, क्यों आपकी न्यूज को, फिर भी तो रिपोर्टर से बात करता हूँ। हाँ। कहते हैं भाई इसके अगेंस्ट लिखोगे तो अगले दिन आर्ट बंद हो जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, चलिए 13,000 आप कह रहे हैं बड़े, भाई बच्चे क्यों कम हुए, कोई तो जवाब देगा इसका। बिल्कुल, इसने मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, स्कूलों के पास, ये मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोल दी, क्यों मीडिया इसको उंगली नहीं उठा रहा? हम तो बहुत बोल रहे हैं, हमारी आप आवाज ही नहीं दिखाते मीडिया वाले। कहीं ना कहीं आज देश में मीडिया को अपने गिरबान के अंदर झांकने की जरूरत है कि वो सरकार के साथ क्या पैसे के लिए आ गए हैं। मैं आपकी दूसरे वाले तथ्य से 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि मीडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। एक आंदोलन हुआ था देश के अंदर अभी जस्ट, जिसमें किसानों को विजय प्राप्त हुई है। आपको ही पता होगा कि इनिशियली बड़े मीडिया हाउसेज ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन यूट्यूब चैनल्स, छोटे चैनल्स वहाँ जाके बैठ गए, नतीजन वो आवाज़ एक बहुत बड़ी बनी। उस चीज़ के लिए ज़रूरत किस चीज़ की थी? उन किसानों की, उनकी प्रतिबद्धता की। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये छोटा चैनल है या बड़ा चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है या सैटेलाइट चैनल है। उनकी आवाज़ जिसने पहुंचाई, उन्होंने उसके साथ हाथ पे हाथ रखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर तो ये नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता छोटे चैनल्स पे नहीं जा रहे, उनको बाइट्स नहीं देते, उनको इंटरव्यूज़ नहीं देते, तो आपकी आवाज़ जो पहुँचा ना सकते हैं उनसे भी तो आपने एक दूरी बना रखी है। ये आप कह रहे हैं, आज मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और आपके साथ बैठा हूँ, फिर आप कह रहे हैं कांग्रेस वाले नहीं बैठते। सर नहीं बैठते तो मैं थोड़ा ना होता सर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लोग के, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हमने बहुत वास्ट कैंपेन रन किया। शायद मैं उस चीज़ की उपलब्धता मानता हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास चलने वाले चैनल्स शायद यहाँ तक पहुँच पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे को तो कोई भी फोन करता मैं आ जाता हूँ। ठीक है सर, अब मुझे कितनी बार मिला था इससे पहले? हार्डली एक बार। आपने मुझे फोन किया, मैंने टाइम दिया कि नहीं दिया जी। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि बच्चे कम हुए हैं, फिर भी शिक्षा का मॉडल प्रचारित है। कोविड में गैस की क्राइसिस थी, ऑक्सीजन गैस की क्राइसिस थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, फिर भी हेल्थ केयर बहुत प्रचारित था। लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर फ्री बिजली और फ्री वाटर भारी पड़ जाता है, चाहे वो 2019 में 2020 में रहा हो, चाहे वो 2015 में रहा हो। इसका क्या तोड़ है आपके पास? देखिए मैं आपको, ये फ्री बिजली और फ्री पानी लोग कहते हैं, मैं इसको दूसरी तरीके से, हाँ, लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा जो केजरीवाल आएगा उससे उम्मीदें थी, और जब वो जीता था तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, फिर थोड़ी उम्मीदें बीच में कम हुई, फिर बढ़ी। 2020 में भी बहुत उम्मीदें थी, तभी लोगों ने वोट दिया था। 2020 के जो इलेक्शन हुए थे फरवरी में हमारे असेंबली के, आज दो साल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप नीचे ग्राउंड में जाके बात करेंगे, लोग वाकई में परेशान है, तो वो स्थिति बिल्कुल पलट हो गई है। उसकी काफी वजह है, जैसे एजुकेशन मॉडल जो ये झूठ बोलते हैं, जो लोग जाते थे वो पता चलता ना धीरे धीरे, ये है।
दूसरा जो आप हेल्थ की बात करें, कोरोना ने वो हेल्थ की मिथ्या भी दूर कर दी, भाई कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए? हमारे समय में शीला जी ने डिस्पेंसरी खोली थी गली मोहल्ले, इन्होंने वो सारी डिस्पेंसरी बंद कर दी, आपको पता है? और मोहल्ला क्लिनिक, आप भी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, आधे तो अस्पताल बने हुए वहां पे घरे घूमते हैं, ये भी सच्चाई है। वो कहां गए जब इतना अच्छा इनका मॉडल था, जो ये कहते थे विश्व स्तरीय मॉडल है, उसके थ्रू कोरोना का इलाज ही कर लेते हैं, तो सारे बंद कर दिए थे इन्होंने कोरोना में। कितने हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मृत्यु हुई दिल्ली में कोरोना में, आपको पता है? कौन सा ऐसा परिवार है जो कोरोना से इफेक्ट नहीं हुआ? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसके? इन्होंने क्या किया केजरीवाल जी ने उसको करने के, जब ये तो बड़े दूरदेशी अपने आप को कहते हैं कि मैं तो मेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है, भाई तो जब पहली वेव आई उसके बाद जब दूसरी वेव आनी थी तैयारी कर लेते ना, क्यों नहीं की ऑक्सीजन की तैयारी, क्यों नहीं की आईसीयू की तैयारी, क्यों नहीं की वेंटिलेटर की तैयारी? मरा कौन? दिल्ली वाले तो मरे। आज कहते हैं मेरे हेल्थ, मतलब शर्म भी आनी चाहिए कि ये बोलते हैं हेल्थ व्यवस्था अच्छी है, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। सर 2017 और 2019 के इलेक्शंस को अगर हम देखें तो इसमें कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, जिस कारण दिल्ली की सत्ता से बेहद दूर रह गई आम आदमी पार्टी, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या निगम की बात की जाए। इसके लिए आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप जब जब अच्छा परफॉर्म करेंगे बीजेपी को फायदा देंगे। देखिए हम ऐसा नहीं देखते कि हमारे अच्छे करने से किसका फायदा है नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस की खोई हुई जो साख थी दिल्ली में वो वापस आए। हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मुद्दों पे काम कर रहे हैं और जमीन में जो लोगों के मुद्दे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना हम झूठ फैला रहे ना लोगों को आपस में लड़ा रहे, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो चाहे वो कास्ट के बेस पे। हम चाहते हैं सब मिलके हिंदुस्तानी इकट्ठा होके काम करें और सारे दिल्ली वाले इकट्ठा होके दिल्ली का आगे बढ़ाएं। हम इस पे चलते हैं, हम ये नहीं देख रहे किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान है। अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो उससे जनता का ही फायदा होगा। 2022 तक में लगभग 15 सालों तक आप निगम में विपक्ष में हैं और निगम की ऐसी बहुत बुनियादी मांगे हैं जिनके ऊपर आपको आवाज उठानी चाहिए। मसलन पहली बात, साउथ दिल्ली नगर निगम द्वारा आज भी ये पेंशन दी जा रही है जो 400 लोगों को प्रति वार्ड में दी जाती है और लगभग 1000 रुपये की राशि दी जाती है। जब जब नया पार्षद बनता है तब तब ये पेंशनें नहीं दी जाती और इसके अंदर कई बार अनियमितताओं की बातचीत सामने आ चुकी है। दूसरी बात, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, निगम में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे क्यों ना पता चले, एक आम सिविलियन को क्यों ना पता चले? 15 साल में विपक्ष में होने के बावजूद भी आप ये आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाए? आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। हाँ। कौन सा निगम का मुद्दा नहीं उठाया, कौन सा दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं उठाया? हाँ। सारे मुद्दे उठाए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, कौन सा नहीं उठाया? एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, पेंशन को लेके, जो लोगों को पेंशन नहीं मिली उसको लेके, सफाई को लेके, प्रदूषण को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, कौन सा मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया? कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो नहीं उठाया कांग्रेस। लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं होती है निगम के प्रेसिडेंट्स की? जैसे एमसीडी की होती है इसकी भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग का मुद्दा नहीं है ना, वो तो है ही, लेकिन जो काम कार्य वो मेन मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार है वो मेन मुद्दा है। ये जो सुनने में ये आता है कि भाई सड़कें बन जाती हैं, सड़कें बनती नहीं है उसके पैसे गबन हो जाते हैं, वो मेन मुद्दे हैं। ना उद्घाटन ना शिलान्यास, लेकिन कागज पे सड़क बन जाती है। वो क्या भ्रष्टाचार का अड्डा है निगम। मुदित जी एक और बड़ी चीज है, दो शीला दीक्षित का दिल्ली को लेकर एक मॉडल था, कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है कि अब मॉडल्स की बात नहीं होती, अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है। जैसे 2020 तक दिल्ली के अंदर मोनोरेल का एक कल्पना शीला दीक्षित करके गई थी, वो मोनोरेल नज़र नहीं आती, मेट्रो का भी अभी विस्तारीकरण का काम पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ है। निगम को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है? देखिए जो विजन डॉक्यूमेंट है वो बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएगा, मेरा उसके लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन बेसिक मॉडल क्या है? बेसिक मॉडल ये है जो हमारा सरकारी तंत्र है वो सुनिश्चित तरीके से चले, उसमें भ्रष्टाचार ना हो और एफिशिएंसी बढ़े। कहने का मतलब है जो काम सरकार का है सरकार उसको पारदर्शिता से करे और बड़ी एफिशिएंसी से करे, तुम काम है ना, जो बजट है उसका सही से इस्तेमाल हो, ये काम है। देखिए जहां तक विजन की बात है, देखिए मैं चीज मानता हूँ वेलफेयर स्कीम अगर कोई सरकार चला रही है कोई गलती नहीं है उसके, कांग्रेस ने भी हजारों वेलफेयर स्कीम चलाई है। देखिए देश का जो प्रधानमंत्री या जो प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता है वो सीईओ मालिक नहीं होता किसी कंपनी की तरह, ये लोगों को गलत फहमी है, मीडिया ज्यादा ये फैलाते हैं। उसका दिलिक पिता की तरह होना चाहिए, पिता का क्या काम है, जो घर में सबसे कमजोर बच्चा है उसका सबसे अच्छा ध्यान रखे, ये होता है। ऐसे ही जो गरीब आदमी है, जो लाइन में सबसे आखिरी में आदमी है, एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री का काम, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस आदमी का सबसे पहले ध्यान रखें, ये मेरा मानना है। देखिए आप हर अपने बच्चे को एबल बनाएं,
किसी को हैंड होल्डिंग की किसी को जरूरत है कि आप उसकी उंगली पकड़े, तो पकड़नी चाहिए सरकार को। ये मैं इसको नहीं मानता कि उसमें कोई गलत बात है। 2015 से लेकर 2022 तक में तमाम समय में ये आया है सामने कि दिल्ली का जो संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है, वो टूटता हुआ नजर आता है। कभी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बीच में टकराव, कभी दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में टकराव। मैं बात एमसीडी और दिल्ली सरकार की करूंगा। फंड्स को लेके अभी एमसीडी में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, क्राइसिस मची हुई है। मान लेते हैं कि एमसीडी में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, फंड्स को लेकर तो यही स्थिति बनी। मैनेज करना किसका काम है? देखिए माफ करना, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल सरकारें होंगी केंद्र में और दिल्ली में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों ही नाकाबिल सरकार है, सॉरी टू से। दोनों का ध्येय ये रहता है एक दूसरे को ब्लेम करते रहो, चाहे जनता पिसती रहे। वही है जब शीला जी और वाजपेयी जी थे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती थी ना। देखिए लोकतंत्र में प्रॉब्लम होती है, संघीय ढांचियों में दिक्कतें आती हैं। हाँ, ये तो नहीं कह सकते हमेशा केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी राज्यों में भी उसकी रहेगी, लेकिन एक जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जो इन पदों पर बैठे होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, इनकी मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो जनता की बात आए उसमें गंदी राजनीति ना खेले। निगम को प्रॉफिट में लाने का कोई विजन है आप लोगों के पास? देखिए जैसे हमारे का विजन डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी आएगा। देखिए आपको क्या करना है, रिसोर्सेस के आपके अलग अलग एवेन्यूज क्या है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, उसको देखिए, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कीजिए। किस बेसिस पे करें कि जनता को तकलीफ भी ना हो, दिमाग से चलेंगे, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करें, जो करप्शन है उसको दूर करें और एफिशिएंसी बढ़ाएं, अपने आप प्रॉफिट में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खर्चे हैं उनको बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी, हम लगातार इनके संपर्क में रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल इनसे रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। निगम चुनाव के बीच में हम लगातार इनसे उन सवालों को पूछने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।